Ik Orbita. सोचा तो हम कितने कुछ से गुजर चुके हैं मॉरिस। बहुत वक्त बीत गया। अभी भी सोचते हो उनके बारे में? इंसानों के कभी कभी। तुम्हारी जितना नहीं जानती उन्हें, सिर्फ देखे बुरे इंसान। अच्छा बुरा अब फर्क नहीं पड़ता। इंसानों ने एक दूसरे को तबाह कर डाला। वानर भी लड़ते और हम परिवार हैं। से उनका निशान नहीं, अब खत्म हो गए होंगे। नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ये सारे के सारे जानवर हैं। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी बात समझ गए? वो तुम्हें सिर्फ जानवर दिख रहे हैं। कुछ नहीं होगा।
ठीक है हम लोग जा रहे हैं। डैम मिल गया क्या? मुझे कुछ बात करनी है। क्या क्या हुआ? वो डैम की हालत ठीक है, हो सकता है कि वहां एक हफ्ते के अंदर पावर बनना शुरू हो जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अंदर आओ। गोली मार दी, मैं डर गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मर गए? अंदाजन वो कितने होंगे? काफी सारे, तकरीबन 80 कम से कम। ओके, आप लोग एक बात नजरअंदाज कर रहे हैं, वो बोलते हैं ऐसा होना मुमकिन नहीं। बस वो बात करते हैं और वो कमाल के थे। वो बोलते वन मानुष है और उनके पास बड़े बड़े भाले भी है। देखो मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या देखा या क्या सुना, पर तुम लोग शांत हो जाओ, ठीक है? वहां वायरस का कोई असर है अली? छूत की बीमारी का कोई जोखिम नहीं? हमें वो रोग नहीं लग सकता, वरना हम बहुत पहले ही मर चुके होते। इतने दावे से कैसे कह सकते? उसने रिसर्च सेंटर में काम किया है, वो जानती है। अब हम करेंगे क्या? मुझे नहीं मालूम, किसी भी तरह हमें बिजली की जरूरत है। वो हमें मार सकता था पर नहीं मारा। शायद उसने हमें जिंदा रखा ताकि हमारा पीछा कर सके, पता लगा सके कि हम कहाँ हैं और हम सभी लोगों को मार डाले। किसके बारे में बात कर रहा है? वही तो हम कह रहे हैं, जो हमने देखा मुमकिन नहीं लगता, और तुमने वो कभी नहीं देखा। वरुण का लीडर वो तो कमाल का था। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? वही तो देखा हमने। हम सपने यही देखा। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझ गए ना? जब तक हम तय न कर ले कि क्या कर रहा है। मजाक कर रहे हो क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी तरह का हंगामा नहीं चाहता। क्या हाल है बेटा, तुम ठीक तो? मेरा बैग वहीं छोड़ गया। तुम्हारी स्केच बुक उसी में थी ना? हाँ, उसी में थी। वहाँ जो कुछ भी हुआ हमें उसके बारे में किसी से बात नहीं करनी है। Thank you.
कितने इंसान और कितने हथियार और वो क्यों आए यहाँ? सुबह अपना फैसला सुनाऊंगा। परसों तक मैं उनकी लैब में कैद रहा, उन्होंने मुझे काटा, तकलीफ दी। तुमने मुझे आजाद किया, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। Thank you.
उसके लिए मुकाबला करें। हमारे पास जो ईंधन है वो दो हफ्ते तक चलेगा, ज्यादा से ज्यादा तीन। ज्यादा? और फिर उसके बाद मैं वहां जाकर ये लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। सबको काबू करना मुश्किल होगा। किसी भी तरह हमें रेडियो ट्रांसमीटर चलाने के लिए वो बिजली चाहिए। सिर्फ यही एक मौका है अपनी दुनिया से संपर्क करने का। हमें दूसरे जिंदा लोगों को ढूंढना होगा। जानता, वैसे भी हम बहुत कम लोग बचे हैं। हम और लोगों को नहीं खो सकते। हमने ये जगह ढूंढी, तुमने और मैंने, पता है, ताकि हम सबको बिजली मिल सके और हम पहले जैसी जिंदगी जी सकें। अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। मैंने सब खो दिया है और जो बचा है उसे भी खोने का डर है मुझे। मैं वापस जंगल जाना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, मुझे 3 दिन दो, मुझे उनसे बात करनी होगी। अगर बात नहीं बनी तो तुम जैसा कहो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, अगर वो हिंसा करने लगे तो, मतलब तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी बात समझ पाएंगे? वो मामूली बन मानुष नहीं। मैं कुछ लोगों को ऊपर फोर पॉइंट ले जाऊंगा। मैं हथियार खाने में देखता हूं कि हमारे पास कितने काम के हथियार है। 3 दिन देता हूं। तुम 3 दिन में नहीं लौटे तो हम ऊपर आएंगे और उन्हें चुन चुन के मार डालेंगे। कार और ट्रक तैयार कर रहा है। और कैंप को लेकर वो किसी भी वक्त आता होगा। तुम कावर को साथ लेकर क्यों जा रहे हो? उसने एक को गोली मारी थी। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है।
वो जल विभाग में काम करता था। सिर्फ वही है जिसे पता है कि डैम कैसे चलता है। मालकम, तुम वहां जाके करोगे क्या? उससे कहोगे क्या? मैं उसे सच्चाई बताऊंगा। दुआ करता हूं कि उसका मूड ठीक हो। तुम मुझे पागल समझती हो? मुझे फिक्र हो रही है। मुझे भी हो रही है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है कि अगर मैंने शांति के लिए कोशिश नहीं की तो जंग हो जाएगी। चाहता हूं कि तुम यही रहो। मैं अलेक्जेंडर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं भी आपके साथ आ रहा हूं। बेटे, वो जगह महफूज नहीं है। यहां से ज्यादा महफूज मैं आपके साथ रहूंगा। मैं भी आ रहा हूं, प्लीज।
मेरी बात सुनो, जानता हूं तुमने कहा था कि वापस मत आ। मैं अच्छे से जानता हूं, मैं यहां कभी नहीं आता अगर तुझे। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, वो यहां पास में है। इंसान झूठा नहीं, झूठी बोल रहा हूं। अगर तुम सब वो देख लोगे तो समझ जाओगे। तुमसे छीनना नहीं चाहता, वादा करता हूं। और अगर तुम हमें मंजूरी दो तो हम यहां हमारा काम और इंसान साथ लाए। बस कुछ ही लोग, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। अगर लगे तो तुम मेरी जान ले सकते। कितने वानर मरेंगे?
इंसानों को उनका काम करने दो, फिर वो चले जाएंगे। ये इंसानों का काम, ये इंसानों का काम, ये इंसानों का काम, ये इंसानों का काम। कोबा ने नफरत करना सीखा और कुछ नहीं। ए, कुछ खा तो लो। ठीक है, आज तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया। मैं जानती हूँ सब तुम पर निर्भर है। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे एलेक्स की फिक्र है, उसने वो सब झेला है जो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, और मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं उसके और करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, पर जानते हो उनके बारे में सबसे डरावनी बात क्या है? उन सबको बिजली, ऊर्जा और ऊष्मा, इस सब की जरूरत नहीं पड़ती, और यही बात उनके लिए फायदेमंद है। इससे वो ज्यादा ताकतवर बनते हैं। मलकम, आज रात हमें से किसी एक को पहरेदारी करनी चाहिए। कैसे करोगे? वो हमारे हथियार ले गए। अगर वो हमें मारना चाहते तो अभी तक मार चुके हो। हो सकता है वो आराम से ऐसा करेंगे। हमारी आधी दुनिया को तो वो खत्म कर ही चुके हैं। Come on. Yeah. तुम वन मानुष को कसूरवार नहीं मान सकते। तो फिर किसे कसूरवार मानो? बताओ, ये सीमेंट फ्लू उन्हीं के देन है। वो वायरस वैज्ञानिकों ने एक लैब में बनाया था, जिन चिंपैंजियों पर उन्होंने प्रयोग किया वो बेचारे क्या कर सकते। अपना ज्ञान तुम अपने पास ही रखो, समझी? तुम कहना चाहती हो कि उन्हें देखकर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता? हाँ, तुम्हारी एक बेटी थी ना। चुप हो जाओ। कैसे मौत हुई उसकी? कावा बस करो। और तुम्हारी बीवी की मौत कैसे हुई? अपना मुंह बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं ही बेवकूफ। जरूरत।
तुम्हें इंसानों से डर? बोला था शिकार पर जा रहा हूं। Thank you.
वादियों को खत्म करने के लिए काफी हथियार है। सीजर को पता ना होगा कौन जाने उन इंसानों का क्या इरादा है। बेटी भी थी। हाँ। उसका नाम क्या था? सुनकर अफसोस हुआ। अब तुम और तुम्हारे डैड मेरे साथ तो। हाँ ठीक है, तुमने डैड को सीधा रखा है ना? शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई। हमें अभी बहुत सारा माल हटाना है, हमें कुछ और वक्त लगेगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम? काम हो गया? तुम क्या देख रहे हो?
मुझे पता नहीं था। यहां से जाओ। मैल्कम, कहाँ जा रहे हो तुम? मैल्कम, प्लीज प्लीज मेरे उससे बात करना जरूरी है। मुझे माफ करो, सब मेरी गलती है, मैं उसे वापस भेज दूंगा। ये मेरा घर, मैं चाहता ये बीमार है। इसकी ये हालत कब से है? मेरे पास दवाई है, शायद मदद कर सकती है। तुम और भरोसा नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, पर मेरा यकीन करो, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। प्लीज हमें मदद करने दो। शायद थोड़ा और वक्त लगे। एक दिन, हम मदद करेंगे। मैं मदद नहीं करूंगा। ये क्या बकवास है? निकाल दिया से। ठीक है, चल चल अंदर, चल 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 अंदर, चल। इंसान
मशीन खराब हो गई है, देखो वहां दूसरी है क्या। इंसानों ने तुम्हारे बच्चों पर हमला किया, तुम उन्हें रुकने दोगे? सारे वानरों को खतरे में डालोगे? सीजर को इंसान प्यारा वानरों से ज्यादा, अपने बच्चों से Oh, my God.
मदर की रक्षा करनी होगी। इंसानों के लिए उसके प्यार ने उसे अंधा कर दिया। जानवर, जब तक इंसान यहाँ है, मुझे सीजर की जान का डर है। मेरी जान बचाने के लिए मौज मस्ती में झूल रहे थे इस गहरे झरने के किनारे, झूल रहे थे। हाँ ऐसे, ये देखो तुम्हें पढ़ना होता है।
बन गया। यहाँ तो बिजली आ गई पर शहर का तो वहां जाकर ही पता चलेगा। Thank you.
किसी को हमारा संदेश मिल रहा है तो अपनी पहचान और लोकेशन बताएं। ओवर। Thank you.
किसी रेडियो सिग्नल से संपर्क हुआ है, प्लीज हमें मदद चाहिए, हम पर हमला हुआ है। हेलो, हम पहुंचने ही वाले। वहां ट्रक दिखाई दे रहा है, नीचे देखो। डैड, बात मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। पकड़ो, बहुत खून बह चुका है, ये बच तो जाएगा ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, कावर को बंदूक मिली कहां से और उसने ऐसा क्यों किया? वो मैंने क्या, वो मैंने Hey!
इंसानों से बदला लो। ऐसा नहीं करता। हमें इसे छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए, जब तक ये न पता चले कि शहर में क्या हुआ। वो फूटे बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मेरे पास कुछ नहीं है। सर्जरी के औजार कॉलोनी में है, पर वो तो मैं जाऊंगा। वहां खतरा है। सिर्फ सीजर ही है जो ये सब रोक सकता है। Thank you.
तुम्हारे पिता, वो जिंदा है। मिले अब कैसा है? ठीक है। हमें ऑपरेशन जल्दी करना होगा बेटे। कैसा है वो देखते हैं, उसमें बहुत सहन शक्ति है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। Thank you.
जिंदा देखेंगे तो कोपा को छोड़ देंगे, पर मैं कमजोर वानर हमेशा सबसे मजबूत दाल चुनते हैं। मुझे उसे रोकना होगा, कुछ तो करना होगा। घर घर
परेशान नहीं करना चाहता था। पर दो दिन हो गए, तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं लौटा है। वो कौन था उस वीडियो में? एक नेक इंसान, तुम्हारे जैसा।
Dreyfus. اسے ایک موقع اور دینا ہوگا، ہمیں اسے کچھ وقت دینا ہوگا، وہ ابھی وہاں اوپر گیا ہے۔ کون اوپر گیا ہے؟ سب دیکھا ہے، میں جانتا ہوں وہ کیسے ہے۔ وہ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، زندہ رہنا۔ وہ جنگ نہیں چاہتے، وہ جانور ہیں۔ انہوں نے ہم پر حملہ کیا کیونکہ انہیں لگا کہ ان کے لیڈر کو ہم نے مارا ہے، پر وہ ابھی زندہ ہے۔ Thank you.
میں کوئی اندازہ تمہیں لگتا ہے مجھے روکنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ وہ آ رہے ہیں ابھی ابھی ہماری اتری ملٹری بیس سے بات ہوئی ہے وہ یہاں پہنچ نہیں ہوں گے یہ سچ ہے ریفرز یہ کیا کر رہے ہو تم Thank you.
محفوظ نہیں ہوں. دوسرے لوگوں سے بات کر کے انہوں نے فوج بلائی ہے, وہ لوگ آ رہے ہیں. تمہیں یہاں سے جانا ہوگا, تم سب کو. سیزر, اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو بھیانک جنگ چھڑ جائے گی. جنگ تو پہلے سے ہی چھڑ گئی ہے. وانروں نے شروع کی جنگ اور انسان معاف نہیں کرے گا. تم یہاں سے جاؤ. لڑائی شروع ہونے سے پہلے